हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो इसके पहले वालों में हमने एड्स देखा, वो काफ़ी अजीब से थे, फनी भी थे, पर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आई थिंक प्रोडक्ट रिलेटेड, प्रॉपर एडवर्टाइजिंग रिलेटेड आई डोंट थिंक थे। थोड़े से सेंसलेस भी लगे। तो इसमें देखते हैं, शायद कुछ अच्छे एड्स मिल जाए। आई एम होपिंग, क्योंकि इसमें मैंने कुछ कमेंट्स में देखा है कि यार देर आर गुड एड्स। मैं किसी को भी ऐड को भी देख नहीं रहा हूँ पहले से, मतलब मैंने कोई वीडियो पहले से देखा हुआ नहीं है। ये सारे वीडियो आई एम वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उसमें मैंने देखा कि इसमें कमेंट्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं। सो आई थिंक कि ये ऐड शायद अच्छे हो सकते हैं इसमें। तो लेट्स गो अहेड एंड वॉच। लड़का बड़ा शर्मिला नहीं है। मुझ पे गया। अच्छा बेटा ये बताओ, हमारी बेटी शारदा में तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी? फाइन लेग। हाँ, है? फाइन लेग पे कैच छोड़ा। क्रिकेट का कीड़ा तो होगा ही ना, जब हो क्रिक बस का मोबाइल ऐप। सुपर फास्ट स्कोर्स क्रिकेट न्यूज, क्रिक बस। नाइस नाइस, डिसेंट डिसेंट, ठीक है, नाइस। डूड, कूल कूल। लास्ट वालों में ना काफी चीजें सेंसलेस थी। ये भी स्टार्ट कहीं हुआ, एंड कहीं हुआ, बट स्टिल आई फील दिस वॉज क्रिएटिव एंड फन। यार ये इंटरेस्टिंग था। गेट इंश्योरेंस बेच रहे यार, इंटरेस्टिंग है। पीएनबी बेटा श्रवण जी, बाबू जी, ये तुम्हारी नई माँ। बाबू जी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा श्रवण, यार एड्स में बैकग्राउंड म्यूजिक क्या प्ले करता है यार। लास्ट वाले एड में भी परफेक्ट टाइमिंग, इसमें भी ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक आया ना, जस्ट प्लेड इट इन, ओ माय गॉड। साउंड इफेक्ट्स बैकग्राउंड, मैं बता रहा हूँ फिल्म मेकिंग में साउंड इफेक्ट्स बैकग्राउंड म्यूजिक विजुअलाइजेशन के साथ वो मैच कराना इतना सही है ना। टाइमिंग, वो टाइमिंग जो होती है ना वो परफेक्ट, मतलब कॉमेडिक टाइमिंग अगर आप कैच करते हो तो इट्स सो कूल, इट्स सो कूल। आई मीन ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो बनाती है एक परफेक्ट, मतलब एक परफेक्ट आर्ट बनाती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट ना बहुत कूल, क्योंकि म्यूजिक जब किक इन किया इट्स रियली लाइक मैचिंग विद द टोन एंड एवरीथिंग, इट्स सो फनी। कुछ सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लाईवुड से बने शेल्फ पे आग लगेगी या नहीं, अंदाजा जवाब हमारे पास है। प्लाईवुड से जुड़ा कोई भी सवाल, व्हाट हैज इट टू डू विद दिस प्लाईवुड, मतलब कोरिलेशन ही नहीं है कोई चीज का। क्या यार, जोक अच्छा था, बट मतलब जोक भी कहाँ अच्छा था। आई मीन मतलब वो म्यूजिक का इफेक्ट, आई वॉज गोइंग टू टेल एम्फेसिस ऑन दैट बेसिकली। ये सब चीज़ें डिसअपॉइंट करती है यार, मतलब इतना अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, बट ठीक है, लेट्स होप, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स सी इफ दिस वीडियो हैज एनी गुड एड इन इट एट ऑल, लाइक एकदम एक अच्छा प्रॉपर एड। ग्रीन प्लाई से पूछे, अरे इसमें ऑड लगने की क्या बात है, जब भी करण दिल्ली आता है तो हमारे घर ही ठहरता है ना, एकदम घर का मेंबर समझा, इतना एहसान किया, एक किडनी तो मांग रहे हैं उससे। दो होती है ना सबकी। एहसान मतलब डिस्काउंट लो, वो भी फ्लैट 30% होटल बुकिंग्स पर, सिर्फ yatra.com। डूड बोलने के बाद ही भाई, ये फनी भी था, ये अच्छा भी था, ये फनी भी था, ये अच्छा भी था। कम पे
आपको सिर्फ दो तरह के खर्राटे पता होंगे। मेरे हस्बैंड को 5 आते हैं। दिल में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। एक बड़ा सोफा है आपके पास, इन्हें ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर देंगे। है तो डालिए ना ऑयल एक्सपेल। ऐसे कूल यार, कूल। थोड़ा सा प्रेमिस लंबा जा रहा था बट पे ऑफ अच्छा था आई थिंक। कूल कूल, पे ऑफ बहुत अच्छा था आई थिंक इसका। व्हाट डू यू थिंक यार, कमेंट्स में बताओ मेरे को। मतलब आई रियली लाइक दिस प्रेमिस, मतलब प्रेमिस जाके अच्छा पे ऑफ मिला। नॉट बैड, नॉट बैड। यार आई एम टेलिंग यू, एड्स का म्यूजिक इतना ज़्यादा अच्छा रहता है ना, मैं तो आपको अब यू वोंट बिलीव। मैं पुराने पुराने एड्स, अच्छे अच्छे एड्स का ना म्यूज़िक निकाल निकाल के अलग अलग से सुनता था, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एड्स ओगिलवी ने बनाए हैं। बहुत सारे टूरिज्म एड्स, जैसे राजस्थान का बनाया है उन्होंने, गुजरात का बनाया है उन्होंने, शायद केरला का भी बनाया है उन्होंने, तो वो इतने अच्छे एड्स, मध्य प्रदेश का बनाया है उन्होंने, वो इतने अच्छे अच्छे एड्स हैं। तो उसके पीछे का जो म्यूज़िक रहता है ना यार, ये सब तो अपने को हर कुछ स्पॉटिफाई या अपने को इसमें नहीं मिलता, तो वो यूट्यूब पे सुनना पड़ता है या वो निकाल के अलग से सुनो। वो जो म्यूज़िक रहता है ना यार, इट्स सो गुड। ये सारी म्यूज़िक ना, मतलब दिस सॉन्ग्स एंड दिस थिंग्स आर वेरी रियली कूल। हम लोग भी लिखते हैं यार सॉन्ग्स, और ये तो वो एक अलग ही फील होती है वो, जब वो म्यूज़िक वो सॉन्ग बन के आता है ना। मतलब एड्स का तो यार एकदम ही, मतलब आप सोचो 30-45 सेकेंड्स में अगर आपको एक इमोशन एक रोलर कोस्टर पे लेके जा सकता है कोई, तो म्यूज़िक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड एड मेकर्स आर जीनियस रियली, लाइक गुड एड मेकर्स आर जीनियस पीपल। Oh, what is he doing? Jugadu. सुलेखा, बस क्लिक करो और पाओ भरोसेमंद सर्विस पार्टनर्स। अरे भाई भाई भाई, काम जुगाड़ से नहीं बनता, सुलेखा गो एंटी जुगाड़। ठीक है राजू, ब्रश कर लिया? हाँ माँ, ब्रश करके एकदम मनोखा, मतलब एकदम कुछ हिट कर जाए ना वो जो अपने एकदम क्लासिक एड्स। मैं क्लासिक एड्स जानबूझ के चूज नहीं कर रहा क्योंकि वो इतना देख चुके हैं ना, बट आई ऑल्सो वॉच देम, मतलब टू रिमाइंड। बहुत टाइम हो गया मेरे को अच्छे एड्स देखे हुए, मतलब बहुत रियली बहुत टाइम हो गया। मेरा काम एड्स का है तो अब क्या कि आई डोंट गो एंड रिविजिट देम ऑल द टाइम, क्योंकि अब दिमाग में इतना कुछ रहता है, यू ऑलवेज यू डोंट वांट टू गेट इन्फ्लुएंस और कॉपी और समथिंग, सो वो चीज़ें दिमाग में रहती है। बट आई रियली नीड टू रिविजिट दोज, आई थिंक अगले एपिसोड में करूँगा मैं। दिस इज लाइक रियली फन, देखते आगे। आ गया, मुझे लगता है ये तो दृश्य मुंह के कोने कोने तक जा। आई एम एक्चुअली हैविंग फन एक्चुअली, राइट? मतलब मैं सोचा नहीं था इतना मज़ा आएगा मेरे को, बट ये सारे एड्स मैंने देखे नहीं हैं तो मेरे को काफ़ी मज़ेदार भी लग रहा है कि किस किस तरह की क्रिएटिविटी है एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, क्या चीज़ें करना नहीं करना। ज्यादा है जिससे मुझे मिले एकदम स्वस्थ मसोड़े। तेरी शरारतें झलकती है तेरे यूनिफॉर्म पे। उफ़, ये जिद्दी दाग मैं मिटा देती हूँ ताकि उनकी चमक रहे बरकरार। तेरे क्या स्पून फीडिंग है भाई, एकदम ही स्पून फीडिंग, मतलब कोई सटिलिटी नहीं है, एकदम ही स्पून फीडिंग, सब कुछ मुंह पे बताए जा रहे हैं। शी इज अनु मैन एंड राइट, क्रेजी भविष्य की तरह।
पापा कितनी मेहनत करते हैं ना ताकि मेरा भविष्य हो सुरक्षित और मेरे सपनों के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। ये ले बेटा शुद्ध पानी और शुद्ध सैंडविच। You're the best मम्मी। अटूट बंधन हमारा। अबे चुप, कौन बात करता है ऐसे? दीजिए ये वाला च्युइंग गम। Exactly, I thought ऐसा कुछ ट्विस्ट आना चाहिए था यार। ये मतलब क्या था? What was it? मतलब कौन बात करता है ऐसे? नहीं, आई रियली लाइक दिस एड, आई लाइक दिस एड, ये अच्छा था। कौन बात करता है ऐसे? शायद पुराने एड्स होते थे ना जो एकदम स्पून फीड मुंह पे डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच रहे, ऐसे बता रहे। अरे यार, दिस इज कूल, दिस इज कूल। सेंटर फ्रेश, जुबा पे रखे लगाम, पता नहीं किसके द्वारा प्रमाणित। हाय हाय, अरे सुन, वी आर मूविंग इन टुगेदर। That's amazing! Get a place on rent. Anytime on 19. Dude, ये ad देखा था यार बहुत पहले, ये बहुत funny था ये जब आया था तो। It still happened. It's sad, but it happens for all the single people out there. एक इशारे से क्या कुछ नहीं कर सकते थे आप? जॉर्डन को पानी पिला सकते थे, माइकल को खाना खिला सकते थे, दुनिया को अपनी उंगली पर नचा सकते थे। जॉर्डन को खाना खिला सकते थे, माइकल को पानी पिला सकते थे, माइकल जॉर्डन। या फिर सेम टू सेम, किसी को बचा सकते थे, किसी का बना सकते थे, कुछ कमाल कर सकते थे, कुछ फंसा सकते थे यार। और आपने क्या किया? हाथ हिलाते रह गए, वो भी टैक्सी के लिए। डाउनलोड कीजिए मेरू कैब्स ऐप, एक बटन दबाओ। बाय मेरू, नाइस यार, नाइस। फनी भी था ये, इंटरेस्टिंग भी था। इट्स कूल, आई थिंक इट्स कूल। तो अब हाथ ना हिलाओ, बस ऐप दबाओ। सूजी और मैं 2 साल से डेटिंग कर रहे थे। We were in love. कभी पिक्चर एक्चर, कभी लेक्चर शेक्चर, so much in love. लड़कियों को सूजी बहुत पसंद थी, पर लड़के? अबे ये कौन है? गर्लफ्रेंड है मेरी, तेरी भाभी होने वाली है। चश्मा चेक करा ले अपना। सब चलते थे। नंबर चेक करा ले तेरा। फिर मैंने सुना कि lenscard.com पे लेजर प्रेसिजन से बने लेंस होते हैं, सोचा यहीं से ले लेते हैं। Dude, I don't know how to take this girl turning into a dog or क्या है भाई। Lenscard तो यार अच्छी करता था यार मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, ये क्या है? मिल गया ये माइंड ब्लोइंग वॉच, वो खड़ूस यार। ये बच्चों वाले एड्स फ्लिपकार्ट के ना यार, इतने धांसू थे भाई, इतने धांसू थे ना ये लोग ने बनाया भाई। This was really cool, I think. Really cool. उसके लिए? अरे उसका फेयरवेल है। Flipkart सेल है। कम दर्द होगा। Big big discounts और लकी हुए तो पूरी शॉपिंग फ्री। इसको बोलते हैं यार ये लोग क्रिएटिविटी, फन एंड प्रोडक्ट, मतलब ये प्रॉपर सेलिंग होती है यार। इसको बोलते हैं प्रॉपर सेलिंग और अच्छे एड्स। यार ये एड्स जो थे ना ये, फिर वोडाफोन के जूजूज और वो सब, बहुत 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 मस्त एड्स है ये सब। मतलब दिस इज समथिंग विच आई थिंक एंड आई फील कि यार ऐसा कुछ बनाओ, मतलब एकदम ना आगे, मतलब दिमाग में लोगों के रह जाए और हिल जाए। दिस इज रियली कूल। ए कार्ड पे लिखे क्या? बॉस यू आर प्राइसलेस। Flipkart बिग शॉपिंग डेज। Nice joke, bhai, nice joke. 18th to 21st, it's a win-win offer. Beta, thoda oats to kha le. Grapes ke saath. No thanks, mom. Kya hai? Papa, wo college jaane ke liye sports bike leni thi. Thode aur paise mil jaate to... What? आप
का ही बच्चा हूँ। भैया एक्स्ट्रा टेंशन चाहिए, अपना एक्स्ट्रा सामान निकाल के OLX पे बेच दे, बस क्लिक कर अपलोड कर फिर चेक कर और सेल कर, बस OLX ऐप डाउनलोड कर। ये मुंडी कब तक हिलानी है? पता नहीं, जब तक ऐड खत्म नहीं हो जाती। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज कंसिडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कुछ और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताना। ओके गाइस बाय, पीस।